इस प्रोजेक्ट 6 साल में साकार करके दिखाए हमारे डॉक्टर रामेश्वर राव जी, और यहाँ पर उपस्थित श्रीमान चलमेड लक्ष्मण राव, लक्ष्मी नरसिंह राव, उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और श्रीमान संजय जी तो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी का अध्यक्ष भी तो है ही हैं, और आपका आगमन से इस प्रोजेक्ट का महत्व बढ़कर इसकी शोभा अत्यंत विकास होकर सब इसका फल लेने के लिए मार्ग खुला है। श्रीमान आपका स्वागत कहते हुए और आपका मन का भाव और जनता को संबोधन से आप बता दें, ऐसा हम आपको आह्वान कर रहे हैं। एक ज्ञान का भंडागार बनता है, ऐसे रामानुजाचार्य स्वामी जी के बारे में और उनका कार्यक्रम के बारे में और उनका सिद्धांत के बारे में, वे अपने जीवन में समाज को सुधारने के लिए कितने प्रकार संस्कार किए थे उनके बारे में अत्यंत विवरणात्मक व्याख्या की हैं। ये तो आश्चर्य की बात है। आपको देश की सेवा करते हुए और इतने विषयों को आपने कैसा इकट्ठा किए हैं और उनको अच्छी तरह समझकर लोगों को अपने प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए आपका ही समय में भारत का गर्व बढ़ा है। मैं भी भारत का हूँ ऐसा कहने के लिए देश में रहने वालों को और बाहर रहने वालों को भी दम मिल रहा है। ये तो बहुत आनंद की बात है। श्रीमान अमित शाह जी, बहुत आनंद की बात है आप स्वयं इतना समय लेकर यहाँ पर पधारे हैं। हम जानते हैं अभी आप कितने व्यस्त हैं, फिर भी समय निकाल कर यहाँ तक आकर इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए इतनी प्रेरणात्मक व्याख्या आपने की है, ये अत्यंत ही आनंद दे रहा है। और जब से ये कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ हुआ, तब से जो यहाँ का सरकार और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर अपने KCR भी है, वो भी तो एक वैष्णव है, वो भी बहुत भक्त ही हैं, और वो भी इस कार्यक्रम के लिए हर प्रकार की सुविधाएं बना के दी हैं। हम जानते हैं यद्यपि राजनीति में अनेक प्रकार की पंथाएँ होते हैं, परंतु भगवान के सामने भगवत सेवा के लिए हम सब एक होकर आगे चलना है, ये बात मानते हुए वे अच्छा सपोर्ट किए थे। और यहाँ इतने भारी कार्यक्रम होने के लिए जो सरकार की ओर से जो रास्ता की व्यवस्था होनी चाहिए और जल की व्यवस्था और विद्युत शक्ति की व्यवस्था, कई प्रकार की व्यवस्थाएं
होते हैं ज़रूरत, उन सब में वे अपने योगदान से और इस कार्यक्रम को बहुत सारे सुविधाएँ किए हैं, और उसके लिए भी हम बहुत बहुत ही आभारी हैं। और यहाँ हमारे इस कार्यक्रम का स्वरूप देने में हमारे डॉक्टर रामेश्वर राव साहब और हमारे लक्ष्मी नरसिम्हा राव जी और भास्कर राव जी करके और कई भक्तगण सब अपनी श्रद्धा से इस कार्यक्रम का स्वरूप साकार करने में सहयोग दिए हैं। धर्म के प्रति और देश की समग्रता के प्रति श्रद्धा रखते हुए ये सब भक्तगण इस कार्यक्रम को साकार किए हैं, और उन लोग प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आना है, अमित शाह जी यहाँ पर आना है, और उनका कर कमल से इस कार्यक्रम लोकार्पण का काम होना है, ऐसा वो जो चाहते थे उसको आप साकार करके उन लोगों का मन अभी आनंद से पूर्ण किए हैं। अब हम धर्माचार्यों को भी प्रार्थना किए हैं यहाँ पर, आज और कल एक चार बिंदु लेकर उसके बारे में चर्चा करके उसको कुछ निर्णय भी लेकर आपको समर्पण करने के लिए वे चाहते थे, परंतु अब समय परमिट नहीं कर रहा है। फिर भी हम ये धर्म आचार्यों का जो भाव है और वे जो निर्णय लेते हैं उसको आपको हम भेजेंगे, समर्पण करेंगे, और उसको कार्यान्वित करने के लिए जो भी करना है वो अवश्य ही आपका सहयोग उसके लिए होगा, ये हमारी आशा है। अब हम श्रीमान डॉक्टर रामेश्वर राव, जो माय होम इंडस्ट्रीज़ का अधिनेता है और भारतवर्ष TV9 का भी चेयरपर्सन है, और इस कार्यक्रम के खास करके अत्यंत भक्त और सेवक बनकर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देकर इस कार्यक्रम का साकारता में परिपूर्ण सहयोग दिए थे।